गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है बच्चों, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग कल पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक सीखा कंसंट्रेशंस को कैसे निकालते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशंस क्या होती है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट या सोल्यूशन में घुला हुआ है। तो मैंने आपको 5 से 6 कंसंट्रेशन बताई थी, मोलैरिटी मोलैलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। इनमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट थी और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे कुछ, है ना। और क्वेश्चंस में कल हमने लास्ट क्लास में एक सवाल लिखा था कि एक सॉल्यूशन है यूरिया का जिसको लेबल्ड किया हुआ है कैसे, 2 मोलर से। किससे लेबल्ड किया हुआ है? 2 मोलर से। एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया लेबल्ड एज 2 मोलर एंड डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml ऑफ दी सॉल्यूशन। डेंसिटी हमेशा किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। सॉल्वेंट का मतलब तो बाबू पानी होता है ना। अब पानी में पानी घुला हुआ है, ये क्या बात हुई? पानी में कोई कितना घुला हुआ है वो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिजोल्व्ड इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये होता है बच्चे मतलब डेंसिटी का। तो डेंसिटी किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है मेरे प्यारे बच्चे। किसकी होती है डेंसिटी? सॉल्यूशन की होती है। अच्छा, हम लोग इस सवाल को तो कर रहे थे, ठीक है। अब इस सवाल को करते हुए मैंने आपको बताया था कि पहले आपको जो भी कुछ दिया है आप उसका मायना निकाल लो, मतलब कि उसका मतलब क्या है। तो देखो, 2 मोलर का मतलब होता है कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट। क्या मतलब होता है 2 मोलर का? मतलब 2 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि कोई भी हो एक्सेप्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी में तो आप नीचे जो वेट लेते हो वो लेते हो सॉल्वेंट का। इसके अलावा जितनी भी कंसंट्रेशंस आप लोगों ने पढ़ी है उसमें आप हमेशा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे या सॉल्यूशन का ही वेट लोगे। मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ध्यान हमेशा रखना है। तो बच्चों क्या मतलब आया? बच्चों मतलब हमारे सामने आया कि 2 मोल ऑफ सोल्यूट घुले हुए हैं 1000 ml सॉल्यूशन में। तो इसका इससे क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका, इससे हमें पता लगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा? गाइज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो कितने आगे? 2 आगे। फिर हमें क्या पता लगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा। क्या पता लगा प्यारे बच्चों में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का पता लगा, जो कितना आया? 1000 ml आया। उसके अलावा हमें पता लगा मोलर मास ऑफ यूरिया। क्या पता लगा? मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। हमें क्या पता लगा गाइज? मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है? हम लोगों ने निकाला हुआ है 80 ग्राम पर मोल। क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने? 80 ग्राम पर मोल, ये होता है मोलर मास। अब गाइज, मोलर मास निकालने के बाद ये 3 चीजें पता लगी है। पहला हमें निकालनी है इसकी मोलैलिटी। क्या निकालनी है हमें इसकी? मोलैलिटी। अब बच्चों एक बात बताओ, मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट, अपॉन 1 weight of solvent, किसमें? ग्राम्स में। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1000 से करते हैं। अच्छा, ये बात आपको पता लगी कि भाई मोलैलिटी जो होती है वो होती है ये, आपको मोलैलिटी के बारे में पता लग गया। अब मोलैलिटी निकालते हुए आपको क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपके पास ये रहे यहां पे, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास नहीं है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला जाएगा? हम क्या कर सकते हैं बच्चों आगे फर्दर? नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और वेट ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि किसी का भी वेट किससे मिलके बनता है? आपको पता है, आपको एक इक्वेशन पता है कि भाई कुछ भी हो सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हमेशा होगा, कुछ भी हो ये तो हमेशा है। अगर ये हमेशा है तो चाहे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो तो सॉल्वेंट के वॉल्यूम प्लस सॉल्यूट के वॉल्यूम के बराबर होगा, चाहे सॉल्यूशन का वेट हो तो भी सॉल्वेंट के वेट और सॉल्यूट के वेट के बराबर होगा। हम यहां बात कर रहे हैं वेट की, तो सॉल्वेंट का वेट किसके बराबर हुआ? सॉल्वेंट का वेट किसके बराबर हुआ? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। इसको उधर लिया, इसको उधर रखा, सॉल्यूट को उधर लिया, माइनस का हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आया सॉल्वेंट का जो वेट आया वो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट के वेट के बराबर आया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। कोई दिक्कत आई इसमें? कोई परेशानी आई? नहीं है। अब यार आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो देखो सॉल्यूशन का तो खात्मा करेगी डेंसिटी। क्या करेगी सॉल्यूशन का खात्मा? ये करेगी डेंसिटी। सॉल्यूशन का वेट तो निकल के आएगा यहां से, जो असल में बात है सॉल्यूशन का वेट कहां से निकल के आएगा? इस डेंसिटी से। कैसे निकलेगा? आपको पता है कि डेंसिटी की जो वैल्यू दी है वो दी है 1.2 ग्राम पर एमएल, ठीक है। और आपको पता है डेंसिटी किसकी होती है? सॉल्यूशन की होती है। किसकी होती है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन की होती है। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास या वेट एक ही बात होती है, मास और वेट एक ही बात होती है, मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्यारे बच्चों क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है क्योंकि उसी के लिए तो आपने डेंसिटी लिखी थी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाएगी। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 1.2 ग्राम पर एमएल। और वॉल्यूम आपका कितना है प्यारे बच्चों? वॉल्यूम आपका कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1000 ml। कितना है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1000 ml। तो 1000 से यहां गुना कर देंगे, 1000 ml आ गया, ml से ml आपका कट जाएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा 1200 ग्राम। किसका वेट? सॉल्यूशन का वेट। अच्छा एक चीज आपके पास आ गई, वेट ऑफ सॉल्यूशन आप ले लिया निकाल। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया राइट, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, तो उसके बाद क्या करोगे? आपको क्या चाहिए था? वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। अच्छा सॉल्यूट के आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है क्या? 4 सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स है 2, और नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अब आप 2 इक्वल्स टू क्या करोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट हमारा है यूरिया, यूरिया, और यूरिया का मोलिकुलर मास कितना है? 80 ग्राम है। तो यहां क्या रख देंगे? 80 ग्राम रख देंगे, ग्राम रख देंगे, और यहां पे क्या रख देंगे? ग्राम पर मोल। क्या रख देंगे यहां पे? ग्राम पर मोल, और यहां पे क्या है? मोल। तो मोल से तो मोल कट जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया जी? वेट ऑफ सॉल्यूट आया 160 ग्राम। कितना आया जी वेट ऑफ सॉल्यूट? 160 ग्राम। अब आ जाओ वापस से, आपके पास मोलैलिटी क्या आई थी? आपके पास मोलैलिटी आई थी, मोलैलिटी आई थी एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। ये आपके पास आई थी मोलैलिटी राइट।
मोलैलिटी इक्वल्स टू 2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1200 ग्राम माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया 160 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 तो m कितना आया जी 2 अपॉन 1200 माइनस 160 कितना हो गया 1200 माइनस 100 140 कितना आ गया जी ये 140 मल्टीप्लाइड बाई 1000 जीरो से जीरो गया क्लियर है m इक्वल्स टू कितना आया जी 2 इंटू 100 अपॉन 104 2 से 104 कितने टाइम्स कट गया 52 टाइम्स अगर ये 52 टाइम्स कट गया कितने टाइम कट गया 52 टाइम्स तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या आया 100 अपॉन 52 2 से इसको काटा तो 50 और 26 और फिर से काटा तो 25 और 30 यानी कि मोलैलिटी इक्वल्स टू आया 25 अपॉन 13 तो 13 वर्जा 13 पॉइंट लगा के जीरो लगा लिया राइट 7 बचे 1 और 5 बचे 1 12 तो 120 पे करेंगे 9 जा बार कट जाएगा राइट 13 9 जा कितने होते हैं 130 माइनस 13 130 माइनस 13 कितने हो गए 117 यानी कि ये हो गए 117 और आपके पास थे 120 तो 3 फिर से बचे आप पॉइंट लगा रखा है जी और आपने लगा ही लिया 32 जा तो यानी कि मोलैलिटी कितनी आई 1.2 मोलल कितनी आई जी 1.2 मोलल और मोलैलिटी इक्वल्स टू आई 1.92 मोल पर केजी 1.92 मोल पर केजी ये आई जी आपके पास आंसर ये मैंने आपको कल भी कराया था इसको फिर भी आप आज एक बार और कर लो क्योंकि आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप ही के लिए मैं इसको बार बार लिखा रहा हूँ भाई मुझे तो ये आते हैं लेकिन आप लोग हमेशा समझ जाओ चीज़ों को आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो इसलिए तो आपको इसीलिए तो बार बार करा रहा हूँ लिखो गाइस फटाफट फटाफट से लिखो गाइस क्वेश्चन को अच्छे से लिखो फिर उसके आगे करो चीजों को ये हमेशा ध्यान रखना ये जो चीज है आपके सामने ये हमेशा ध्यान रखना ये सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है आप कहीं भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कहीं भी पुट कर सकते हो राइट कोई दिक्कत बहुत अच्छे से करना है इसको बहुत ही बेहतर तरीके से लेके चलना है बहुत टाइम है अपने पास क्यों शोभित सही बोल रहा हूँ ना चीज समझ में आ रही है आरव हिमांशु सही दिख रहा है सब कुछ ओके है बढ़िया है अच्छे से लिखो इसको फिर आगे चलेंगे ठीक है अब इसकी और भी कंसंट्रेशंस निकालनी है बस हमें तो क्या करो हमें तो केवल एक दो चीज दे दो कोई भी एक कंसंट्रेशन दे दो प्लस डेंसिटी दे दो बाकी हम पे छोड़ दो अपने आप निकाल लेंगे खत्म करो फटाफट से लिख लेंगे सारे बच्चे सवाल करा करा के पक्का कर दूंगा आप बस मुझ पे विश्वास रखे कुछ भी चीज आपको मैं गलत नहीं बता रहा आपके फायदे की ही है ये
वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पुट कर दिया सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट का वेट, बाकी सब कुछ एडिटिव रखा। लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लेना, आगे चलते हैं। बाकी ये तीन फेज में कैलकुलेशन की हुई है ना, और इनमें एक फेज तुम्हें साफ साफ दिखती होगी अलग ये वाली, कि ऊपर तक की फेज एक है और यहाँ से नीचे की फेज एक है, क्योंकि ऊपर से तो निकाला है सॉल्यूशन का वेट और यहाँ से निकाला है सॉल्यूट का वेट, दोनों को फिर से रख दिया और दोनों को भाई प्यारे बच्चों फिर से रख दिया, आंसर आपके सामने आ गया, खत्म। आपको तो कुछ करना ही नहीं था। हो गया प्यारे बच्चों, ये आगे चल सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, यहां तक मैंने आपको कल भी दिखा दिया था, आगे चलते हैं। सेकंड टाइप की कंसंट्रेशन बच्चे निकालते हैं इसमें, परसेंटेज वेट बाय वेट। अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वेट लिखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, आप लिखोगे भी साथ साथ, क्योंकि जितना हम चीजों को जानेंगे, जितना होता ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना लिखोगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है? तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। हर जगह सॉल्यूशन आता है, केवल मोलैलिटी में सॉल्वेंट आता है, अदरवाइज हर जगह नीचे सॉल्यूशन है। और परसेंटेज है तो की बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? अच्छा, पीछे की स्लाइड पे आपने देखा होगा, दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस। वेट ऑफ सॉल्यूट भी आपके पास है और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आपके पास है, बस दोनों डिजिट्स को उठा के यहां पुट करना है। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, 160, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया था, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 से 20 खत्म, ऊपर क्या बचा, 160 अपॉन 12। तो उसको क्या लिख सकता हूं, 16 × 10 / 12। 12 को काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, और 2 6 जा 2 8 जा, फिर 3 जा 4 जा, यानी कि आया 4/3 × 10। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, 3 1 जा 3, बचेगा 1, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, यानी कि आपके पास यहाँ पे आया बचवा क्या है, आपके पास बच्चा आपके पास आया 1.33 × 10, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आया 13.3%। क्या आया, परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या है आपके पास, ये परसेंटेज वेट बाई वेट। क्लियर है? ये आया बचवा आपका आंसर, इसको अच्छे से लिख देता हूं। निकाल लो, फटाफट से आंसर लिखो, सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल सिंपल।
इतना सिंपल है, खस्ता मिलेगा बस खस्ता। थर्ड निकालेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब इसका मुझे आप बताओगे क्या होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब। हर बार मैं ऐसे एक हर बार करता हूँ एक डब्बा, वो डब्बा इसीलिए करता हूँ कि तुम्हें बस चीज़ें सामने से चमके, कि इसी के लिए सवाल में मर मिट जाना है, अपनी जो जान देनी है वो सवाल के करने के लिए देनी है। चले जी लिखे, इसका मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम्स में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बताया था आधे का सॉल्यूशन ही आएगा, यहां वेट की जगह क्या आएगा बच्चे लोग, वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम निकाल रहे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ml में, मल्टीप्लाइड बाई 100 क्योंकि परसेंट के लिए निकाल रहे, राइट। तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, सेम यहीं से उठा के देख लो वो तो 160। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, आई थिंक वो था आपके पास 1000 ml, 1000 गुना कितना 100, दो जीरो से दो जीरो, 10 से 10, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना आया 16%। और इसका दूसरा नाम स्ट्रेंथ भी होता है, क्या होता है स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई, कितनी आई बच्चे लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सिक्सटीन परसेंट। कितना आया जी ये 16%। ये मतलब होता है, इसको फिर से डब्बे में बंद करूंगा, इसी के पैसे थे, लिखो फटाफट आगे चलते हैं, फिर इसको फटाफट लिखो फिर आगे चलेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे चले, आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। किसका निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। या सॉल्वेंट क्या है,
समझदार बच्चे हो तुम। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है जी? वाटर है। आइए पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, तो आपको पता है कि दो है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को NH2O लिख सकता हूं। NH2O किसके बराबर होगा? मास ऑफ वाटर अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, मास ऑफ वाटर का मतलब क्या है? मास ऑफ वाटर का मतलब है मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे वाटर का मतलब सॉल्वेंट ही तो था, एक्वस सॉल्यूशन था। और मोलर के मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 होता है कि नहीं होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपने इस फॉर्मूले में यहां पे क्या रखा था? वेट ऑफ सॉल्वेंट रखा था, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आया था वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट करके आया था आपके पास 1040। यानी कि आप यहां पे क्या लिख सकते हो? 1200 माइनस 160 अपॉन 18, 1040 अपॉन 18, 2 से डिवाइड कर सकते हो दोनों को, 9 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 0 टाइम्स, यानी कि आपके पास आया 520 अपॉन 9। क्या है जी आपके पास? 520 अपॉन 9। आगे करते हैं सवाल को, आगे इन चीजों को सीधा रख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 2 अपॉन 2 प्लस ये कितना आया? 520 अपॉन 9। इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 9 टू जा 18 प्लस 520 अपॉन 9 इंटू 2, 9 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 अपॉन 538, नीचे कितना आ जाएगा? 538, 2 से 538 को काट सकते हैं, 2 टू जा 4, 2 सिक्स जा 12, 2 9 जा 18, कितना आया? 9 अपॉन 269, कितना आया? 96 अपॉन 269, तो कितना आएगा? डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, एक जीरो लगा ली, लेकिन 90 हुआ, एक और पॉइंट लगाया, एक और जीरो लगाई, तो 900 हुआ। अब 269 को 900 पे चलाना है, कितने पे चलाना है? 269 को 900 पे, 269 को 270 के आसपास मान सकता हूँ। 270 होते हैं आपके 540। अब हमें चलाना है 900 पे, 540 प्लस 270 हो गया 570, 540 प्लस 710, एक बार और चल सकता है, यानी कि ये 6 जा, यानी कि ये आया 0.06। बस इतना भी निकाल दोगे तो भी बहुत है, इतना भी निकाल दोगे तो भी बहुत है। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब अगर कोई बोले क्या निकालना है, कोई बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो क्या करोगे? अब की बार क्या करोगे? फॉर्मूला नहीं लगाना। एक के लिए सॉल्व कर लिया ना, एक के लिए अगर सॉल्व कर लिया तो इसके लिए फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना। क्या करना है? केवल वन माइनस में से कर देना, क्योंकि आपको पता है, आपको क्या पता है? यू नो वी नो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल्स टू वन। दोनों किसके इक्वल होगा? वन के इक्वल होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा? वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। और एक तो आप निकाल ही चुके, क्यों बार बार कैलकुलेशन करनी है? 1 माइनस 0.06, और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया? 1 में से 0.06 को हटा लेंगे, राइट, 1 में से
0.06 को घटा लेंगे। कर लो भाई सोल्व। वन माइनस 0.06 आ जाएगा 0.904। ये आपका एक आंसर आया राइट, और आपके पास एक आंसर आया ये। क्लियर जी? करो भाई फटाफट सोल्व, सब कुछ निकलवा दे। देखो इसका अब आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि चीजें क्या बोलती है, कैसे चीजें हो रही है, कैसे नहीं हो रही। अब तो क्लियर हो जाएगी? हाँ जी अनुग्रह, हो जाएगी क्लियर? अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ रहा होगा। इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी, अब तो पागल हो रहे हो क्वेश्चन कर करके। डेली बोलते हो सर एक क्वेश्चन डेली रख देते हो हमारे सामने लाके आप, है ना? अब अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस करने से, क्या होता है फील आती है कॉन्सेप्ट की, अच्छा हाँ मजा आ गया। हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया, मोलैलिटी देके मोलैलिटी निकलवा ली, मोलैलिटी देके मोलैलिटी निकलवा ली, एक एक देके सब कुछ करवा लिया, परसेंटेज देके सब कुछ निकलवा लिया। ऐसे ही हम लोग निपुण होते हैं चीजों को करने में। जितना ज्यादा शस्त्र विद्या से खेलोगे उतना ज्यादा उसके बारे में सीखोगे। ये बहुत बेहतरीन बात बताई मैंने आपको, ये जो बात है ये बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि इस बात के तो बहुत पैसे हैं। ये जिसको पता है वो तो बहुत बहुत बड़ी आदमी है जिसको ये पता है। जिसको ये पता है तो बहुत बड़ी आदमी है। दो का पूछ रखो किसी भी एक का अपनी मर्जी से निकालेगा, दूसरे को घटा के लिख देगा, खत्म बात। पॉइंट 904 नहीं 0.94। कैलकुलेशन पे एक बार ध्यान दे दिया करो भाई, ठीक है? यानी कि बहुत ही कम मिला हुआ है। मोल फ्रैक्शन वाटर का मतलब ये है कि केवल पानी ही पानी है, लगभग तो पानी है, जरा सा यूरिया यानी कि चुटकी भरी यूरिया डाल रखा पानी के अंदर, चुट मामूली सा, पता भी नहीं ऐसे पानी के अंदर कॉन्टामिनेट नहीं आता, थोड़ा सा नमक डाल दिया पता भी नहीं चला नमकीन है कि मीठा है, स्वाद ही नहीं आ रहा वैसा सा। फटाफट लिखो प्यारे बच्चों फटाफट, बहुत तेज बिल्कुल नहीं चलूंगा, बहुत धीरे धीरे चीजों को लेकर चलना है, बहुत आराम आराम से, कहीं रेल थोड़ा ना पकड़नी है हमें, चीजों को सीखते हुए चलना है। पर हाँ हम चीजों में निपुण हो गए, हाँ तुम्हें कसम खानी पड़ेगी हम चीजों को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, निपुण हो जाएंगे हम। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मतलब ये वो चीज़ है कि कोई सामान बनाने की फैक्ट्री है लेकिन बाई प्रोडक्ट से भी कोई ना कोई कंपाउंड बना के बेच रहे, फुल मुनाफा,
घाटे में जा ही नहीं रही कंपनी, मुनाफा ही मुनाफा लिए जा रही, बाई प्रोडक्ट से ही प्रोडक्ट बना दे रही, फिर उसके प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट से और नया प्रोडक्ट बना दिया, कुछ नहीं छोड़ रही, वेस्ट मटेरियल जीरो, सब कुछ काम का है जी अपने तो, सब कुछ चीजों को निकाल लाए, निचोड़ दिया चीजों को, कतई बिल्कुल अलग कर दिया। आज मैं लेता हूं विराम, अब मैं समझता हूं कि अब तुम लोग हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हो, अब मैं समझता हूं कि तुम्हें हर कंसंट्रेशन आ चुकी, अब मैं इस चैप्टर में आगे की तरफ चलूंगा। कहानी खत्म नहीं हुई अभी, कहानी तो कंसंट्रेशन की बहुत लंबी चलने वाली है, ये तो अपन लोगों ने केवल कंसंट्रेशन निकालनी सीखी है, केवल सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की, अभी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिलाऊंगा तब मजा आएगा, जब सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिलाऊंगा, अब तक तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट ही मिला रहा था, एक सॉल्यूशन बना रहा था, अब एक से ज्यादा सॉल्यूशन लेके चलूंगा, करो उसको करो। अरे जिसने ये सीख लिया ये इंपॉर्टेंट है, वो तो इससे भी आसान है, वो तो इससे भी आसान है। चले जी आगे, चले आगे चलते। अच्छा मैंने आपको सॉल्यूशन के दो टाइप पढ़ाए थे, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, वो थे ऑन द बेसिस ऑफ फेज। दोबारा से एक बार फिर पढ़ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ फेज सॉल्यूशन थे जी हमारे दो। होमोजीनियस सॉल्यूशन, एंड हेटरोजीनियस सॉल्यूशन, ये दो तरह के सॉल्यूशन हमारे पास थे। आज एक नया क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि बात अगर कंसंट्रेशन की चल रही है तो कंसंट्रेशन छोड़ना थोड़ा ना है। On the basis of concentration, solution दो तरह के होते हैं, एक होता है concentrated solution, क्या होता है एक concentrated solution, और एक होता है dilute solution, क्या होता है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या आपने पहले सुने कि नहीं सुने, पक्का पक्का बताओ, नाइन्थ क्लास में सुने। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है, जैसे आपको बताता हूं, पानी के अंदर जब आप चीनी मिलाने के लिए पहुंचे, अगर आपने केवल एक चम्मच चीनी मिलाई तो वो थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि केवल हल्का सा मीठा, और अगर आपने उसमें 7-8 चम्मच चीनी डाल दी तो वो चीनी उसके अंदर ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं है, चीनी उतने ही पानी के अंदर चीनी बहुत ज्यादा है। तो इन दो सॉल्यूशन को देख के मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसमें एक चम्मच चीनी है, इसमें 5-6 चम्मच चीनी है, ये कम मीठा है ज्यादा मीठा है। ज्यादा मीठे वाले को नाम दिया गया कि यहां पे सॉल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, तो एक नाम दे दिया कि भाई ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, क्योंकि शुगर की कंसंट्रेशन इस पानी के अंदर बहुत ज्यादा है। दूसरा जो रखा था इसको बोल दिया कि ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि इस पानी के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा जी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर बहुत कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्या मतलब होता है इसका? कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सॉल्यूट प्रेजेंट इन हाई अमाउंट, यानी कि सोल्यूट ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है, और अगर डाइल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट
प्रेजेंट इन लेस अमाउंट और अगर सोल्यूट कम है तो भी तो बोल सकता हूं सोलवेंट प्रेजेंट इन एक्सेस, ये नहीं बोल सकता कि सोलवेंट एक्सेस में पड़ा हुआ है, ये भी तो बोल सकता हूं कि सोलवेंट एक्सेस में पड़ा हुआ है। यानी कि अगर सोल्यूट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो मेरे पास वो सॉल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा है क्या सॉल्वेंट, क्या ज्यादा है सॉल्वेंट, क्या ज्यादा है भाई साहब सॉल्वेंट ज्यादा है, तो वो एक तरह क्या है जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसको लिख लो, लिख लो जी फटाफट से लिख लो कि सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के बेस पे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड, एक होते हैं डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट ना के बराबर है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, केवल सॉल्वेंट है, केवल सॉल्वेंट है। फटाफट से करो, आगे चलते हैं। फिर फटाफट से लिखे, आगे चलते। अब इसकी तो कहानी तुमने पढ़ी ली, कितनी कंसंट्रेशन कहानी पढ़नी है डाइल्यूट की। ये डाइल्यूट क्या बवाल है, डाइल्यूट ऐसा क्या जादू कर दे रहा है, डाइल्यूट की कहानी पढ़ते हैं। डाइल्यूट की कहानी पढ़नी बहुत जरूरी है, डाइल्यूट ही है जो भी है, ट्वेल्थ क्लास में डाइल्यूट आएगा, मस्त डाइल्यूट कॉन्सेप्ट चलेगा एक, बहुत ही बढ़िया, देखना क्या ही हो जाएगा डाइल्यूट से, मस्त एकदम। इलेवेंथ क्लास मक्खन चलेगी डाइल्यूट से, डाइल्यूट है तो सब कुछ, जो बिल्कुल जो था ना, जो समुद्र के अंदर भी, इतने बड़े समुद्र के अंदर भी कुछ निकाल के लेके आ जाए वो कोई बड़ा काम कर देता है, वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट में भी कुछ निकाल के ले आए ना तो ये मान लो कि आपने महारत हासिल कर ली, और डाइल्यूट में ही निकालने का तरीका सीखना है हमें, क्या करना है, डाइल्यूट की कहानी पढ़नी है, डाइल्यूट क्या होता है। फटाफट से लिखो, लिख लिया होगा सर, आगे चले, चल सकते आगे, है ना, पोज करके लिखना, छोड़ना कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने के लिए मैंने तुम्हें एक बात बताई, फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, क्या मतलब है डाइल्यूट सॉल्यूशन का। इसका मतलब सर सीधा सीधा समझ में ये आ रहा है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, कि
क्लियर है कि नहीं है ये बात, बताओ कि ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बात क्लियर होगी। यानी कि आपका मतलब है सर कि सॉल्वेंट बहुत बड़ा है, अगर मैं ये लिखता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं, क्या लिखता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर ये बात है सर तो मुझे ये बताओ कि तो सॉल्यूशन तो बहुत कम है, ये सॉल्यूट तो बहुत कम है, अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो उसको तो मैं बोल सकता हूं नेग्लिजिबल है, क्या है ये नेग्लिजिबल है, अगर नेग्लिजिबल है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूं, अगर इसको जीरो के इक्वल पुट कर सकता हूं तो क्या लिख सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन के ही बराबर है, ये इसका मतलब आया। जैसे एक डेली लाइफ में समझ लेते हैं, जैसे कि आपने समुद्र के पानी के अंदर, या आप अपने घर में लेके चलो, आपके घर में एक 500 लीटर का टैंक है, आपने उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया, ना तो नमक का पता लगेगा कहाँ घुला हुआ है, और आपने बोला कि भाई मैंने तो ये सॉल्यूशन तैयार करा है नमक घोल के, हालांकि आपको पता है कि नमक बहुत कम है, लेकिन नमक का वेट वो एक चुटकी शायद 0.1 या 0.2 ग्राम था, कितना था 0.01 या 0.02 ग्राम था, और पानी का वेट था 500 किलो। अब 500 किलो में 0.01, 0.02 या 0.1 घटता बढ़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नेग्लिजिबल सी चीज है। यानी कि मैं क्या बोल दूंगा कि मोटा मोटा जो मेरा पानी का वेट था वो ही मेरा सॉल्यूशन का वेट होगा, क्योंकि NaCl का तो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है। यानी कि हम ऐसा मैथमेटिक्स में भी करते हैं, अगर कुछ चीजें बहुत छोटी होती है तो उनके एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से हमारे सिस्टम पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि समुद्र का पानी का लेवल इतना सारा घट गया, मामूली सा पता भी नहीं चलेगा घटा कि नहीं घटा। सिंपल बात समझ में आती है, यानी कि जो चीज़ें बहुत छोटी होती है उनको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, इसको बोलते हैं एक तरह की अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली आइडिया किसी का निकालना, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। जैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन आया, जैसे वेट ऑफ सॉल्यूशन आया, वैसे मैं क्या बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब जो सॉल्यूट मेरे पास है प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी कि जीरो के इक्वल। तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन यहां लगाऊंगा तो जो मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आ जाएगा। अगर ये आ जाएगा प्यारे बच्चों तो हमारा बहुत बड़ा जो सवाल था ना वो खत्म हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ, ये चीज आप एक बार लिख लो, फिर आपको दिखाता हूँ आपने कितना बड़ा तीर मार दिया। इसको लिखो फटाफट, देखता हूँ फिर आपको बताऊंगा कि आपने कितनी बड़ी चीज की है। अभी ये एक चीज, छोटी सी चीज करने से आपने कितना बड़ा सवाल जो एकदम शॉर्ट कर दिया, अभी बताऊंगा आपको। लिखो एक बार फटाफट, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस रामबान से ये दो स्टेटमेंट लिख लो बस। फटाफट से लिख लो,
अब देखो आपको इसका एक मतलब समझाता हूँ, कितना प्यारा मतलब निकल के आया इसका। आगे चलिए, कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा मुझे मोलैरिटी बताओ क्या होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में मान लो, थाउजेंड से मल्टीप्लाई मत करो, लीटर में मान लो। सॉल्यूशन कितने में है? लीटर में। एंड मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट या किलोग्राम में मान लो। ठीक है, अब देखो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर हुआ? इस मोलैरिटी को फर्दर लिखो आगे। यहां हम किसके लिए करने वाले हैं? यहां हम करने वाले हैं फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब तक तो ये फॉर्मूला था, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एंड मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर है? वेट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर है। यानी कि यहां क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पे? वेट ऑफ सॉल्यूशन, एक ही बात है। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं कैसे पुट कर सकता हूं? एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में फिक्स रखो, एंड एम इक्वल्स टू एन अपॉन वेट। क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। अब वाटर के लिए, वाटर के लिए या किसी भी सिस्टम के लिए डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी की बात करते हैं। तो वाटर के लिए डेंसिटी होती है वन, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन अगर है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम के लोग क्या पढ़ रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी के अंदर ही तो कुछ ना कुछ मिलाते हैं भाई। सॉल्वेंट हमारा क्या रहता है? मिक्स सिस्टम पानी। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है? वन। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? वन। ये तो प्रीफिक्स है, अगर आपको नहीं भी दी है तो पानी की डेंसिटी मानी जाती है वन, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी डिजोल्व नहीं होता। और जिसके अंदर कोई डिजोल्व नहीं है, यानी कि भाई उसका मास है, भाई उसका वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ मोलैरिटी भी क्या ही है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? ये जो तुम्हारे सामने आया, बताओ है कि नहीं है? दोनों चीजें बराबर है। अगर दोनों चीजें बराबर है तो मुझे बताओ, जब तुम्हें वैल्यू यहां दोनों की चीजें बराबर दिख रही है, तो क्या तुम ये बोल सकते हो? क्या तुम लोग ये बोल सकते हो कि फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या बोलना है? फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन फोर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या निकल के आया? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या निकल के आया? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी। इट मींस कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम। ये आपके पास निकल के आया कि आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमारा मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी होगा। इतना बड़ा काम आपने एक मिनट में कर दिया, यानी कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको दे दिया तो जो उसकी मोलैरिटी है वही उसकी मोलैरिटी है। यानी कि जो अब तक कैलकुलेशन कर रहे थे, इतना बड़ा काम जाम कर रहे थे, लेकिन अगर गलती से डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा आ गया, डाइल्यूट का कैसे पता लगेगा? लिखा देगा डाइल्यूट के लिए, वो लिख के देगा कि दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है? हमें तुरंत समझ जाना है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी। क्लियर है? लिखो भाई फटाफट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी इस डाइल्यूट सॉल्यूशन से, इस मोलैलिटी मोलैरिटी की।
राइट, की कॉन्सेप्ट आ गया, ये तो की कॉन्सेप्ट आ गया। और क्या चाहिए जिंदगी में, लिखो फटाफट। मजा ही आ गया होगा ये चीज पढ़ने के बाद तो। और ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होता है। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है ये, और किसी के लिए नहीं होता। अगर नहीं दिया है डाइल्यूट तो अपना दिमाग मत लगा देना कि कर दिया मान के कुछ भी। डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के बारे में वो देगा, वो डाइल्यूट का तुम्हारे सामने जिक्र करेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या लिखा है मैंने यहां पे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तभी ये है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। केवल तभी है जब मोलैरिटी मोलैरिटी के इक्वल तभी होगी जब सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आती है क्या? मैं केवल और केवल चीजों को लिख के लेके चल रहा था, ठीक है। और ये फॉर्मूले तो मुझे बहुत पहले से पता थे, ये जो दो फॉर्मूले मेरे पास थे ये तो मुझे बहुत पहले से पता थे। ये मेरे पास जो दो फॉर्मूले थे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास तो बहुत पहले से थे। मैं पढ़ी क्या रहा हूं, मैं पढ़ी इनके बारे में रहा हूं, है ना। अरे शुरू से लेके आखिर तक जिंदगी में पढ़ाया क्या, आज तक पढ़ाया यही तुम्हें? क्लियर है? इन फॉर्मूलों के बदौलत आप कुछ भी कर सकते हो केमिस्ट्री में, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपको फिर हार्ड नहीं लगेगी। जो बताई थी ना मैंने तीन ब्रांच केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री आपको हार्ड नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिक्स की लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर्स के साथ प्ले करना है, यूनिट्स के साथ प्ले करना है, चीजों के बारे में जानना है। चीजें थोड़ी यहां दिखती नहीं है, ढूंढनी पड़ती है। केमिस्ट्री है ना, वो छोटे एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात है ना यार। अब फिजिक्स की तरह तो नहीं है कि बल्क में सिस्टम चल रहा है, मैथ की तरह नहीं है यूनिट्स को नंबर जोड़। छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं यार अपन लोग, केमिस्ट्री माइक्रो सिस्टम है, बहुत माइक्रो, माइक्रोस्कोप से दिखती है चीजें, है ना। घबराना नहीं है, दिखती है, देखते है, फॉर्मूले है, क्लियर हो जाएगा, पक्का करा दूंगा बिल्कुल, ठीक है। इसको फटाफट से लिखे, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग पढ़ेंगे कल हम लोग। क्या पढ़ेगा इस हम लोग कल, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। इसको फटाफट लिखो, यहां पे लिख लेना फॉर वॉटर, किसके लिए, वॉटर के लिए, फॉर वॉटर। ये जो आया यहां से ये, इसके लिए मैं लिख रहा हूं फॉर वॉटर डेंसिटी इक्वल्स टू वन। वाटर के लिए डेंसिटी की वैल्यू एक होती है जी। वाटर के लिए डेंसिटी की वैल्यू एक होती है। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग का मतलब है कि आप उसके अंदर दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करोगे। जो भी बता रहा था अब तक, जो भी हमने पढ़ा केवल एक सॉल्यूशन के लिए पढ़ा। अब हम जो लोग कल से पढ़ने वाले हैं वो दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग के बाद पढ़ने वाले हैं। जैसे पानी के अंदर पानी मिला दिया, कम मीठे के अंदर ज़्यादा मीठा पानी मिला दिया, है ना। करते नहीं, किसी को शिकंजी मीठी चाहिए तो क्या करते, चीनी फालतू डाल देते हैं, ज़्यादा मीठी हो तो पानी मिला देते हैं, ऐसा कुछ, वो सब कुछ पढ़ने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।
आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके एक एक चीज़ आपको लिखनी है, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कल को फिर से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग। जो मैं ये क्वेश्चंस आपको कराता हूँ यही आपको केवल होमवर्क में करने हैं और यही मुझे आप लोगों को सेंड करने होते हैं, ठीक है गाइज। तो अपना होमवर्क टाइम से सेंड कीजिए जिससे कि मैं देख पाऊँ, एनालिसिस कर पाऊँ कि क्या आप सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच।